डीएपी के लिए आप लोग बहुत परेशान हैं। आखिर ऐसा क्या जरूरत है कि आप उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। हमारी मिट्टी में अगर आप 100 किलोग्राम डीएपी डालते हैं तो 18 से 20 किलोग्राम ही पौधा ले पाता है और हमारी मिट्टी में वो रिजर्व हो जाता है, क्योंकि उसका जो कच्चा माल है वो रॉक फॉस्फेट है, तो मिट्टी के साथ जाकर के वो बाइंड हो जाता है। उसके उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास बायो फर्टिलाइजर का ऑप्शन है, पीएसबी का ऑप्शन है, उसको आसानी से हम आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आप क्या है सीधे डीएपी के पीछे भाग रहे हैं, तो हमको आपको भी ये सोचना होगा। जैसे मार्केट में प्याज महंगी हो जाती है, अरे महंगी हो गई तो उसको खाना छोड़ देंगे, उसकी जगह पे दूसरी चीज को खाएंगे, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। तभी तक कोई चीज महंगी है जब तक हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे ही आप उसका कोई ऑप्शन तलाशेंगे, इसका ऑप्शन तलाशने के लिए उसके जो संबंधित है, वैज्ञानिक है, तकनीकी जानकार है, उनसे मिलिए और उसकी जानकारी लीजिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो उसकी भरपाई कर सकती हैं, तो आप उनसे संपर्क करके उसका प्रयोग करिए और अपनी खेती को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में और आज के हमारे इस चौपाल में। ये चौपाल बिहार के पूर्णिया के कस्बा में लगाया गया है, दो गच्छी गाँव का नाम है, और इस चौपाल का जो मेन मकसद है वो है पोषण प्रबंधन से जुड़ी हुई जानकारी देना। तो हम जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला भी रखेंगे। आज के चौपाल की शुरुआत करें उससे पहले, अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो कर सकते हैं। पोषण प्रबंधन के बारे में बात करें उससे पहले जरूरी है कि हम मिट्टी के बारे में बात करें कि मिट्टी अगर अच्छी हो, स्वस्थ हो, तो कितनी ज्यादा जरूरत है और कैसे आप मिट्टी का जो है वो ध्यान रख सकते हैं, जिसके लिए हमारे बीच है आज डॉक्टर पंकज कुमार यादव सर। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप मिट्टी की महत्वता, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ बैठे जितने भी हमारे साथ किसान हैं और ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी हमें देख रहे हैं उनको ये बताएं। आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो हमारे से उम्र में बहुत ज्यादा हैं। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जहाँ पे खेती करते हैं उसी को हम आप मिट्टी कहते हैं। हम विकास बहुत कुछ कर लिए, हवा में, पानी में, हर जगह खेती करने का प्रयास किए, लेकिन हमारे पास अंत में यही ऑप्शन बचता है कि बिना मिट्टी के खेती संभव नहीं है। आने वाले समय में ये मिट्टी की बात करें, खेती योग्य हमारी जो जमीन है लगातार कम होती जा रही है। हमारी जो खेती योग्य जमीन है, अगर हम बात करें 1950-51 से लेकर अब तक, करीब 7 गुना कम हो गई है और हमारी जनसंख्या उतनी ही बढ़ गई है। और हमारा उत्पादन 50 मिलियन टन था, आज हम 308 मिलियन टन के स्थिति में पहुंचे हैं, 6 गुना हमने उत्पादन बढ़ाया। हमारी खेतियों की जमीन नहीं बढ़ी, हमारी जनसंख्या बढ़ गई, हमारा उत्पादन बढ़ गया। दुनिया की कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे आप मिट्टी को पैदा कर सके, और अगर मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते हैं। हम लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि मिट्टी ही पौधे का पेट है, कुछ भी पौधे को देना है तो कहाँ पे आप देते हैं, मिट्टी में ही देते हैं। अगर मिट्टी में उस पोषक तत्व की कमी है तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे, मिट्टी में डालेंगे। आज के 50 साल पहले आप देखते होंगे जब आप खेती करते थे तो एक फसल लेते थे, उसके बाद आपकी फसल लेने के बाद जो आपका खेत होता था खाली रहता था, तो उसमें जो पोषक तत्व तो आसपास से जो बारिश के सीजन में या पेड़ पौधों की पत्तियों के माध्यम से आता था उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बनी रहती थी। लेकिन आपने किया क्या, लगातार एक से ज्यादा फसल लेना शुरू किया, इवन कि आप एक फसल करती रही तो दूसरी फसल लेने की आप तैयारी कर लेते हैं, तो आपका जो मिट्टी है से जो पोषक तत्व निकाला जा रहा है, जितना आपने निकाला उसमें आपने वापस नहीं डाला, तो मिट्टी के साथ भी हमने आपने किया कि हम उससे जितना निकाले उतना उसमें वापस नहीं डाले। सामान्य रूप से एक पौधा उसको पैदा करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है 17 पोषक तत्व, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 ऐसा पोषक तत्व है जो हमको प्रकृति देता है, चाहे वो हवा से दे, पानी से दे, मिट्टी से दे। पौधे को भी जो 17 पोषक तत्व चाहिए, 3 को तो प्रकृति ने दे दिया, बचे 14 पोषक तत्व में अगर आप देखें, आज हमारे देश 90% मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, 80% मिट्टी में फास्फोरस की कमी है, 48% मिट्टी में पोटास की कमी है, 49% मिट्टी में जिंक की कमी है, 33% मिट्टी में बोरान की कमी है, 12% मिट्टी में आयरन की कमी है। वो कमी अगर हमारी मिट्टी में है तो पौधे के द्वारा हमारे फसलों के अनाज में नहीं पहुंच रहा है, फल में नहीं आ रहा है, दूध में नहीं आ रहा है, उन सारी चीज को जब हम आप खाते हैं तो हमारे शरीर में नहीं पहुंच रहा है, तो किसी न किसी बीमारी के हम आप शिकार हो रहे हैं। और डॉक्टर के यहाँ जब आप जाते हैं तो क्या करता है, सबसे पहले आपकी जाँच करवाता है, आपके शरीर में जिस पोषक तत्व की कमी है उसी का टैबलेट और उसी का कैप्सूल वो रिकमेंड करता है। जैसे ही उसका संतुलन हो जाता है आप चलने फिरने लगते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको आने वाले समय में खुद स्वस्थ रहना है, अपनी मिट्टी को स्वस्थ रखना है, अपनी जनरेशन को स्वस्थ रखना है, तो हमें मिट्टी में
जितना हम उससे निकाल रहे हैं उतना उसको डालते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मैं जो नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर एसपी सिंह सर, आईसीएल इंडिया के सीनियर एग्रोनॉमिस्ट है। तो सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि इजराइल केमिकल लिमिटेड जो है कई सालों से काम कर रही है और इजराइल की तकनीक जो है वो खेती में मेरे ख्याल से सबसे ऊपर माना जाता है, तो आईसीएल क्या लेकर आई है आलू और मक्का के पोषण प्रबंधन को लेकर, इसके बारे में आप हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको बताएं आप। सबसे पहले तो मैं हमारे जो कृषि कॉलेज से जो भी साइंटिस्ट लोग आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ दो तीन चीजें साझा करनी है। पहली चीज आईसीएल क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आईसीएल एक इजराइल का ग्लोबल फर्टिलाइजर का ग्रुप है और हिंदुस्तान में आईसीएल पिछले 30 वर्षों से काम कर रही है। आज के अगर परिपेक्ष में देखा जाए विश्व का छठा पोटास उत्पादक है। विश्व में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसमें 10% जो पोटास का उत्पादन होता है वो इजराइल केमिकल्स करता है और विश्व को ये खाद पिछले 50 सालों से उपलब्ध करा रहा है और भारत में ये 30 सालों से आप लोगों को मिल रही है। अब समय आंख बंद करने का नहीं है कि आंख बंद करके सोते रहें, दुकान पे जाएं और जो हम कर रहे थे वो लें और अपने खेत में डाल दें। अब समय आ गया है सही खाद का सही मात्रा में उपयोग करना। तो उसके दो तरीके आपको अपनाने चाहिए। एक जो सर ने बताया कि आप अपनी जमीन का चेकअप करा लीजिए। जब आप टेस्टिंग करा लेंगे तो तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। पहला, आपकी जमीन का स्वाद कैसा है, यानी वो क्षारीय हो गया है, अम्लीय है या फिर वो न्यूट्रल है। यहाँ का अनुभव जो एक एवरेज है कि यहाँ का जो पीएच है वो नॉर्मल से लो है। तो जब पीएच लो होता है तो कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वह लो अवस्था में जल्दी नीचे चले जाते हैं। तो इस कारण से हमें ये जानना जरूरी है कि अगर मेरी सोयल का पीएच ये है, ऑर्गेनिक कार्बन ये है और न्यूट्रिएंट का लेवल ये है तो हमको कितनी मात्रा डालनी है। तो जब आपने ये जान लिया कि आपकी सोयल में क्या है तब आपको देखना अब आप फसल क्या लगा रहे हो। तो अब ये ज्यादा मुनाफा लेने के लिए क्या अगर आप डीएपी लगा देंगे तो मिल जाएगा, क्या यूरिया लगा देंगे तो मिल जाएगा और क्या पोटास लगा देंगे तो मिल जाएगा, ऐसे जवाब नहीं आता है। जवाब आएगा कि मैं अगर आलू लगाता हूं तो मुझे ये जानना है कि आलू को इतने उत्पादन के लिए कितना खाद डालना है। मेरा अनुभव ये कहता है कि जब आलू आप निकालते हैं खेत से ना तो 3 किलो नत्रजन, 1 किलो फास्फोरस और 5 से 6 किलो पोटेशियम प्रति टन आपके खेत से रिमूव होता है और इसके साथ साथ में सल्फर 5 kg, मैग्नीशियम भी 0.4 kg और कैल्शियम शायद 1 समथिंग kg रिमूव होता है। तो अब ये खेत से आपका निकल गया तो अब आपको देखना है आपके उस बीघा में या कट्टे में कितनी पैदावार हुई। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे खेत से मैंने इतना न्यूट्रिएंट निकाल लिया और मिट्टी जांच में मेरे इतना था। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को हर साल आलू की खेती करते वक्त अपनी पैदावार को ध्यान देते हुए कितना डालना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने हर फसल के लिए एक रिकमेंडेशन दे रखी है, अगर वो रिकमेंडेशन को आप फॉलो करें न्यूट्रिएंट के लिए शायद आपको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, आलू 80 दिन से लेकर के और 125 दिन तक की फसल होती है। जो कम दिनों का आलू होता है उस कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने के लिए आपको नाइट्रोजन और पोटास मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना ताकि आलू की साइज बढ़िया मिल जाए और जल्दी से जल्दी वो आप निकाल सके। और जो आलू आपका लंबे दिन का है उसके अंदर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप 2-3 स्प्रे कर पाए तो आपको आपकी उपज में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने में वो सहूलियत करेगा। अर्थात अब समय है कम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने वाली खाद को प्रयोग करने का। तो मैं यहाँ पर 2 खाद का आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहूंगा। एक पॉली सल्फेट, ये मिट्टी में प्रयोग करने की है और दूसरी जो खाद है वह स्प्रे करने की खाद है, न्यूट्री वॉन्ट। आप ये सब तो जानते ही है कि स्प्रे के माध्यम से भी पौधा न्यूट्रिशन लेता है और जो हम स्प्रे करते हैं उसकी उपयोग क्षमता, यानी अगर 1 किलो स्प्रे किए उसमें जितना भी तत्व है उस तत्व का जितना परसेंटेज है वो 90-95% पौधे को मिल जाता है। लेकिन जो जमीन में हम प्रयोग करते हैं वह आपकी जमीन की स्थिति के हिसाब से 20% से 50% के बीच में ही मिल पाता है, बाकी जमीन में रह जाता है या जमीन के नीचे चला जाता है। हमें ये देखना है कि हमको अपनी जमीन को भी सही रखना है और पैदावार भी ज्यादा लेनी है। तो अब आपको सोचना चाहिए कि भाई ये पॉलीसल्फेट जो आपका है ये जमीन की खाद है तो हम तो जमीन में खाद डालते ही आ रहे हैं तो इसमें क्या विशेषता है। तो इसकी 3-4 विशेषता है। पहली चीज, मतलब किसी फैक्ट्री में बना हुआ खाद नहीं है, यह हमारी प्रकृति ने हमें दिया आशीर्वाद के रूप में और ये वो आशीर्वाद है जिसको खोजते खोजते
खोजते उस गहराई में जाकर के आईसीएल ने इसको निकाला है और आज विश्व में पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए ये खाद बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, क्योंकि जितना भी लो पीएच सॉयल है वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का लीचिंग लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो चार तत्व है वो चारों तत्व क्योंकि एक मिनरल है और इसकी जो पानी में घुलने की जो क्षमता है वह धीरे धीरे है, मतलब ये आप अगर सोचें कि पानी में इसे घोल लेंगे तो घुलेगा नहीं और जमीन में भी डाल देंगे तो ये एक दिन में नहीं घुलेगा, यह धीरे धीरे घुलता है। तो लंबे समय तक इसके न्यूट्रिएंट जड़ के आसपास रहते हैं और जड़ों द्वारा जब उसका अपटेक होता है तो मैक्सिमम होता है, इसलिए इसको यूज कीजिए। तो चार के चार तत्व मिल गए और साथ साथ में आपको जो सॉयल का जो पीएच है वो भी खराब नहीं हुआ और इसका जो रिलीज पैटर्न स्लो है तो हमेशा ये उपलब्ध रहेंगे। और आलू में तीन अवस्थाएं बड़ी क्रिटिकल हैं पैदावार के लिए, पहली इसका बढ़वार, तो बढ़वार के समय अगर आप एनपीके 1999 का स्प्रे कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा, और एक खाद है न्यूट्रीवॉन्ट स्टार्टर, अगर वो कर सके तो वो स्पेशली सिर्फ फोलियर स्प्रे के लिए बनी है। ये जो खादें होती हैं जो वाटर सोल्यूबल होती है इसको आप जमीन पे भी फेंक देंगे तो भी चलेगा काम, ड्रिप इरिगेशन में भी देंगे चलेगा और स्प्रे करके भी दे सकते हैं, लेकिन जब करें तो उसके साथ में आपको कोई स्टीकर या स्प्रेडर यूज करना होता है। लेकिन ये जो न्यूट्रीवॉन्ट खाद है ये विश्व की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की पत्तों पे छिड़काव करके पौधों को न्यूट्रिएंट देने की खाद है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आलू में कंद बनते हैं उस समय पे आलू को फास्फोरस की अगर कमी हो जाए तो कंद निर्माण प्रभावित होता है और आलू में कंद कम बनेंगे, तो हमें देखना पड़ता है कि कंद निर्माण के समय कोई फास्फोरस वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल खाद में जाना है तो 1999 पहला स्प्रे 35 से 40 दिन पे, 50 से 60 दिन की अवस्था में 0-52-34 और 70 से 80 दिन पे आप यूज कर सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और इसके अलावा ये जो न्यूट्रीवॉन्ट है अगर इसमें जाना चाहेंगे तो आप पहला स्प्रे स्टार्टर एनपीके की जगह आप स्टार्टर यूज कर सकते हैं और एमकेपी जो 0-52-34 बताया है उसकी जगह पे आप 49-32 का स्प्रे कर सकते हैं, और तीसरा जो हमने पोटेशियम नाइट्रेट बताया उसकी जगह पे आप फ्रूट करके इसमें एक है फार्मूला 12-5-27+8 कैल्शियम वो कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, ये रेडी टू स्प्रे है, मतलब इसमें स्प्रेडर है, स्टिकर है और इसमें और भी टेक्नोलॉजी है, उसके मैं बखान करने जाऊंगा तो उसमें समय लगेगा, पर आप इसको यूज करके खुद ही इसके फर्क देख सकते हैं कि बाजार में जितने भी एनपीके फर्टिलाइजर है उससे ये अलग फार्मूला है। ये तो हुई आलू की बात, आम में अच्छा फल बैठाना है तो एक फार्मूला बता के जाता हूँ। फल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रूट। तो फ्रूट याद रखिएगा, हमें वो फ्रूट चाहिए, ऐसा ही एक आपको फार्मूला मिल जाएगा, उसमें मिलेगा 12-5-27। इस स्प्रे को मंजर आने से पहले एक स्प्रे कीजिएगा, जब आप दवाई का छिड़काव कर लेंगे ना एक, उसके साथ भी कर सकते हैं लेकिन अगर अलग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, आपका मंजर सबसे अच्छा सेट होगा। और जब मंजर सेट हो जाए, उसमें आम सेट हो गया, तब एक 15 दिन के अंतराल पे उस स्प्रे को करते जाइएगा। आज तक वैसा मैंगो आपने अपने बगीचे में देखा नहीं होगा, इसका मैं वादा करके जा रहा हूँ। खर्चा कुछ नहीं होगा ज्यादा, पर आप इसको प्रयोग करके देखिए। मैंगो में क्या है, इसकी पत्ती देखेंगे तो इसकी जो पुरानी पत्तियां हैं इतनी टाइट होती हैं कि उसमें स्प्रे पहुंच नहीं पाता है। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, पानी की बूंदों को तोड़ती है, बारीक करती है, और ये जब पानी के साथ में पत्ते पे जाती है तो उसकी सेल वॉल को अंदर एक हल्का सा, जैसे तो मच्छर काटता है तो पता नहीं चलता है क्योंकि वो क्या करता है हमारे पे केमिकल डालता है, उस जगह को सुन्न कर देता है और अपनी फिर ट्यूब को इंसर्ट करके आराम से खून पीता है। तो ये भी ऐसा ही करता है कि पत्ते को दर्द ना होता है और रास्ता बना देता है न्यूट्रिएंट को अंदर जाने का, तो अगर दवाई भी साथ में होती तो वो भी बढ़िया से अंदर चली जाती है। तो इसको आप तीन स्प्रे कम से कम कीजिएगा, फ्रूट के आम आपका है वो बहुत बेहतरीन मिलेगा। और इसके अलावा जो भी अगर आपका कोई सवाल समझना होगा तो हम लोग चर्चा में ले लेंगे, पर मैं अपने आप को यही विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमने जाना जो हमारा आज का विषय है आलू और मक्का, तो आलू के बारे में सर ने, पोषण प्रबंधन के बारे में सर ने विस्तार से जानकारी दी। मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर SP सिन्हा सर, जो कि एग्रोनॉमिस्ट हैं भोला पासवान शास्त्री एग्री कॉलेज पूर्णिया से, सर आप बताएं खासकर मक्के में पोषण प्रबंधन किस प्रकार से हो सकता है, और अगर आप मतलब कुछ जानकारी दे पाए रोग और कीटों के बारे में तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। सबसे पहली बात है मक्का की बात है, तो अब बुआई के बाद की जो क्रिया है इसमें हम लोग बात करें कि जो मक्का आपका पित्ता भर का हो गया है या उससे कम है तो देख लीजिए कहीं उसमें
तना छेदक का प्रकोप हो तो तना छेदक से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जो छोटा छोटा पौधा है अभी जिसमें गाभा नहीं बना है ना, होल नहीं बना, उसमें आपको सबसे पहले डेल्टा मेरिथ्रीन एक दवा आता है बाजार में, उसका 1.5 ml 1 लीटर पानी में घोलिएगा और उसको स्प्रे कर दीजिएगा, तो आपका जो है तना छेदक मर जाए। और जब थोड़ा बड़ा हो गया मक्का, जो करीब कोई 40-45 दिन का हो गया है, उस मक्का में आप क्या करेंगे कि तना छेदक का कहीं प्रकोप है तो उसके जो गाभा है उसमें दो दवाई को याद रखें। एक दवा है आपका जो बहुत पुरानी दवा है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, फुराडोन कार्बोफ्रॉम या फिप्रो नील आता है दानेदार, दोनों में से कोई आपको क्या करना है गाभा में उसके डाल देना है, 4-4, 8-8 दाना और कतार से डालते चला जाना, और ऐसा कर देंगे तो जो भी अंदर कीड़ा रहेगा तना छेदक का उसको जो है वो मार देगा। और यही क्रिया एक बार उसको डाल देते हैं धनशीश निकलने के पहले तो डाल दीजिएगा, तो सबसे अच्छा तरीका है वो कीड़ा का जो भुट्टा को खाता है दाना को खाता है वो उस कीड़ा को मारने के लिए धनशीश निकलने के पहले, नहीं तो फिर धनशीश निकलने के बाद तो जगह ही नहीं बचेगा, डालिएगा कहाँ। ये तो हो गया कि उसको कीड़ा को मारने के लिए। दूसरी बात कि मक्का में कभी कभी देखते होंगे कि पत्ता वगैरह जो है उसका मरता है किनारे से, तो जो इधर बीमारी आई है मक्का में नया नया जो वेरायटी है पायोनियर क्या या किसी भी चीज का वेरायटी उसमें आने लगा है, वो बहुत कॉमन चीज हो गया है, तो वो यदि होने लगा तो आपको क्या करना है बुआई के समय में ट्राइकोडर्मा दवाई का यदि केचुआ खाद आपको मिल जाए तो उसमें 20 किलो 25 किलो केचुआ खाद में 2 kg मिला के 1 एकड़ खेत में छींट देना है, छींटने के बाद जुताई करके बुआई कर देना है। ये तो हो गया रासायनिक, और यदि बायोकेमिकल पे आप जाइए तो बायोकेमिकल्स में भी इसका उपाय है। सबसे पहले आता है कीड़ा को पकड़ने वाला एक फंदा आता है तो उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, और इनिशियल स्टेज में यदि आ गया तो इनिशियल स्टेज में हम लोग नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 1500 ppm का जो आता है नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको 6 ml 1 लीटर पानी में डालेंगे और उसका छिड़काव कर देंगे। तो ये तो हो गया कीट नियंत्रण की बात। अब हम लोग बात करें कि मक्का में मिट्टी चढ़ाना बहुत नितांत जरूरी है। मिट्टी चढ़ाने से 5 फायदा है। पहला फायदा है कि हम उस समय अगल बगल में जो मिट्टी दोनों साइड से लेके हम किनारे करके लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जड़ के आसपास हवा का आवागमन होता है जिससे जड़ की बढ़वार अच्छी होती है। और दूसरा फायदा क्या है कि आप मक्का में देखते होंगे कि ऊपर से भी जड़ निकलता है, तो यदि वो ढका रहेगा तो जड़ निकलेगा तो बढ़िया से पोषण लेगा और वो इंकरेज उसका बढ़िया से होगा तो तेज से हवा भी चलेगा तो मक्का गिरेगा नहीं। तीसरा फायदा क्या कि खर पतवार भी नियंत्रित हो जाएगा उस टाइम में। चौथा फायदा क्या कि हमारा जो है मक्का में जो पटवन करने के बाद जो कुड़ाई करके मिला देंगे तो उससे क्या होगा जल संचयन क्षमता मिट्टी की बढ़ेगी और मिट्टी में ज्यादा दिनों तक नमी बरकरार रहेगी जिससे पौधे को कम पटवन देना पड़ेगा। पांचवा फायदा क्या है कि कभी न कभी तेज हवा आ गया बेमौसम बरसात आ गया तो जब हम मिट्टी चढ़ाए रहेंगे तो वो गिरेगा नहीं, और जब वो गिरेगा नहीं तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। कभी ज्यादा बारिश हो गई तो मक्का में जरा सा पानी लगता है तो मक्का मरना शुरू हो जाता है, तो मक्का में थोड़ा सा भी पानी बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए हम यदि उसमें मेड़ बना देंगे अर्थिंग अप कर देंगे मिट्टी चढ़ा देंगे तो क्या होगा कि पानी ज्यादा पड़ भी गया बारिश हो भी गई ज्यादा खुदा न खास्ते तो पानी निकल जाएगा और मक्का के जड़ के पास पानी लगेगा नहीं और जिससे मक्का के जड़ में एनारोबिक बैक्टीरिया का विकास नहीं होगा और मक्का हमारा सड़ेगा नहीं, जड़ सड़ेगा नहीं, मक्का हमारा सूखेगा नहीं। तो ये 5-7 फायदा है मिट्टी चढ़ाने से। और हमको हर एक फसल के पहले आपको जो है वो देना है आपका PSP, और PSP देने के लिए आपको 3 तरीका है। एक तो बीज उपचार कर सकते हैं PSP से, दूसरा बिचड़ा उपचार कर सकते हैं PSP से, और तीसरा मिट्टी उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह से मक्का का जो भी है और कुछ फसल के बारे में या कोई और कीड़ा बीमारी या किसी भी फसल से संबंधित कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप बात करिए तो बताएं। धन्यवाद सर। कोई भी सवाल है आपका तो थोड़ी देर में आपका सवाल भी लेंगे हम। तो मैं अगला निवेदन करना चाहूंगी, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मखाने रिसर्च प्रोजेक्ट के हैं, और सर आप हमें बताएं मखाने में पोषण प्रबंधन किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये जो बेल्ट है वो मखाने बेल्ट है, इसके बारे में आप प्लीज हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए अभी तक जितनी भी बातें हुई और जितनी भी जानकारी जितनी भी खेती के बारे में बात की गई वे ऐसे जगहों पे की गई जहाँ पे खेती करना संभव है। हम ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जल जमाव जो क्षेत्र है वैसे जमीन में
मक्का नहीं कर सकते, आलू नहीं कर सकते, यानी कोई फसल नहीं कर सकते, वहाँ की बात हम करते हैं। कोसी क्षेत्र में अगर आप घूमेंगे, जो 7-8 जिला है, सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, इन 7 जिला में अगर घूमेंगे तो आपको जमीन की 3 तरह की स्थिति दिखाई देगी। जमीन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ये तो खेत पद्धति की बात हो गई। दूसरा जो तालाब पद्धति है उसमें हम मखाना के साथ मछली भी करते हैं। केवल ध्यान इतना ही देना होता है कि जितना तालाब क्षेत्रफल है उसका 1/10 भाग बीच में खाली रखेंगे, मछलियां पूरे तालाब में घूमती है और वहां पे वो एरेशन आरामगाह का इस्तेमाल करती है। अगर आप इसको आर्थिक रूप से जोड़ेंगे कि लागत और आय क्या अनुपात है, एकड़ में आपको 40,000 रुपया खर्च होगा। कितना भी किस्मत खराब होना है तो आपको 9 क्विंटल गुर्री आना है, 8 क्विंटल मान के चलिए, तो 1 एकड़ में 8 क्विंटल आया और पिछले 3-4 साल का एवरेज निकालिए तो देखेंगे 12,000 रुपए क्विंटल गुर्री का रेट मिल जाता है, तो 8 × 12 96,000, तो 96,000 ग्रॉस रिटर्न आया हमारा। उसमें से आप 40,000 खर्चा काट दीजिए, कितना आया, 56,000। यानी वैसी जमीन से जहाँ कुछ नहीं होता था हमको 56,000 शुद्ध प्रति एकड़ मिल रहा है। अगर आप तालाब पद्धति में जाएंगे तो 1,00,000 रुपया आपको मछली से और लगभग 1,25,000 रुपया आपको मखाना से, यानी 2,50,000 2 से 2.25 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ आराम से प्राप्त कमाया जा सकता है। अब बात आती है तालाब पद्धति में 2 खेती है, एक मखाना के साथ मछली जो हमने बताया, लेकिन एक और है एक मखाना के बाद मछली। मखाना के साथ मछली हम वहाँ करेंगे जहाँ पे यह सुनिश्चित हो कि बाढ़ का पानी उस तालाब में नहीं घुसता हो। अगर हम वैसे तालाब में मछली डाल देंगे जहाँ पे बाढ़ का पानी आता है तो क्या होगा, मछलियाँ भाग जाएगी, हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब हम बताते हैं जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है मखाना के बाद मछली। तो मखाना के बाद मछली होता क्या है, अगस्त महीने में आप मखाना निकाल लेंगे, सितंबर अक्टूबर खेत खाली रहता है आपका, आप 1 एकड़ में 2.5 क्विंटल 100-100 ग्राम या 150-150 ग्राम का ग्रास कार्प डालेंगे जिसमें घास खाने की क्षमता आ जाती है, वो डालेंगे तो 6 महीने में वो 3 क्विंटल 9 क्विंटल में कन्वर्ट हो जाता है और आपका 100 रुपए KG भी मछली बिक गया तो सोच लीजिए कितना फायदा हुआ। इसके बाद अगर आप खेत को जुलाई महीने अगस्त महीने मखाना निकाल के छोड़ दिए है तो अभी खेत की स्थिति जाके देखिए पूरा जलीय खरपतवार से भरा हुआ होगा, उसकी सफाई में आप लेबर लगाएंगे तो आपको 15,000 से 20,000 रुपया खर्चा हो जाएगा उसको प्रति एकड़ साफ कराने में। तो आप 90,000 रुपया वो कमाए, आप 15,000 से 20,000 रुपया ये सेव कर लिए क्योंकि ग्रास कार्प पूरे घास को खा करके आपको तालाब को साफ सुथरा कर दिया है। तो हम लोग किसान को यही बताते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके वैसे जमीन जो जल जमाव से भरा या बेकार पड़ा हुआ है उसकी उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए मखाना उत्पादन आधारित तकनीक को अपनाएं और अधिक से अधिक आय भी कमाएं। अगर पूरे साल इस प्रक्रिया को करते हैं तो कम से कम 125 आदमी को हम उसमें रोजगार देते हैं, तो मखाना उद्योग में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं भी है। मैं लास्ट में आप सभी किसान बंधुओं का भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें सुना, बड़े मन से सुना, धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी इनामुल हक जो कि रीजनल मैनेजर हैं ICL इंडिया के बिहार के, तो सर मैं आप आए और कुछ किसानों से, कुछ सफल किसानों से जो है वो जल्दी से यहाँ बैठे जितने भी किसान हैं उनको मिलवाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने सारे किसान बंधु भाई हमारे बीच में आए और आज मैं इस बात का गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के तकनीक को लेकर के, मतलब समय समय पर जब किसान की कोई जरूरत पड़ती है कि भाई आज इस चीज की जरूरत है तो उस जरूरत के मुताबिक हम उनको अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन दे पाते हैं, ये एक हमारे लिए बहुत 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 गर्व की बात है। मेरे किसान भाइयों, आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो तकनीक होती है, जैसे साहब लोगों ने आपको बताया अभी सर मखाना की बात कर रहे थे यहाँ पे कि भाई मखाना के अंदर लीचिंग हो जाता है या इवेपोरेशन हो जाता है, तो क्या है उससे बच बचाने के लिए अगर इजराइल केमिकल्स लिमिटेड अगर आपको कोई एक तकनीक ला के देती है, जैसे पॉलीसल्फेट जैसा प्रोडक्ट का तकनीक ला करके देती है, तो मुझे लगता है कि उससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद होंगे। हमारे और भी बहुत सारे कुछ किसान बंधु हैं यहाँ आए हुए जो इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के नए तकनीक का इस्तेमाल करके अपने खेती को कर रहे हैं,
मैं यहाँ पे उनको आमंत्रित करूँगा, आप लोगों को उनकी जबान में ये सुनने का अवसर मिलेगा कि किसान ने जो इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के नए तकनीक का इस्तेमाल किया है उससे उनके फसलों में क्या वृद्धि हुआ। किसान आनंद जी जो कि बहुत दूर बनमंगी से आए हुए हैं और इनसे हम लोग एक दो बात करेंगे और इनके अनुभव को शेयर करेंगे। प्लीज आनंद जी आइए। सबसे बड़ी बात है, आप लोग भी आजकल मोबाइल चलाते होंगे, मैंने ICL के विषय में जो है फेसबुक पेज से जो है मतलब जाना, और जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं उसको देखता था कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा हट करके है, तो मैंने उसको जो है पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका नंबर लेकर के जो है, उस समय यहाँ लाइसेंस भी नहीं मिला हुआ था, पिछले साल की बात है, तो मैंने दिल्ली तक फ़ोन किया और उसके बाद जो है मुझे यहाँ नंबर मिला और मैं इस इनके प्रोडक्ट से इतना प्रभावित हुआ कि उसके बाद जो है मैंने कहा कि नहीं मुझे इनको जो है एप्लीकेशन करना है। तो चूँकि हम लोग आलू की खेती करते हैं तो आलू की खेती में चूँकि कम अवधि का फसल है तो लोगों को थोड़ा कंपटीशन भी होता है किसान में कि कौन कितना उपज करता है, तो इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने कहा कि नहीं थोड़ा हट करके हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमको कुछ फ़ायदा होगा और हमसे इंस्पायर्ड होकर के हो सकता है कुछ और लोग जानें। तो उस समय जो है चूँकि आलू की सोइंग हो चुकी थी तो और प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो फिर मैंने तो कर दिया, लेकिन उसके विषय में हम थोड़ा सा पूछते रहे कि हमको अगर मिल जाता है तो हम उसको यूज़ करेंगे। लेकिन जब मैंने मिट्टी चढ़वा दिया आलू में तो उसके बाद जो है डेमो के रूप में हमको जो है एक एकड़ के लिए बड़ी मुश्किल से मिला। तो चूँकि रोशन जी थे वो बोले क्या आप एक काम कीजिए इनको ऊपर से ही छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि बेसल एप्लीकेशन का चीज़ है, तो मैंने उनको छिड़काव कर दिया लगभग एक एकड़ में और हमको जो है उसका जो है अलग ही बदलाव नज़र आया और उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और उसके बाद जो है इस बार के आलू की फसल में मैंने उनका जो है समुचित उपयोग किया, जो उसकी मात्रा है एक एकड़ में 4 बैग करके। और दुर्भाग्य ये रहा क्योंकि 9 तारीख को मैंने आलू की बुआई की और 16 से जो है आप लोग जानते ही हैं भयंकर बारिश हुई, हम लोगों के बगल में जितना भी प्लॉट था मैक्सिमम तो, लेकिन मेरा जो है क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो भी डालते हैं खेत में खाद तो होता है कि हम लोग के मन में हो जाता है बारिश के साथ वो बह के निकल जाएगा। इनके बावजूद भी अभी जो मेरा चूँकि कल ही आलू का जो है मतलब हार्वेस्टिंग खत्म हुआ है, मैं इनसे काफ़ी सहमत हूँ और मैं संतुष्ट हूँ और उपज भी इनका अच्छा हुआ। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी मतलब पॉलीसल्फेट के विषय में चूँकि इसी खाद को यूज़ किए हैं और वो जो न्यूट्रीवांट जो है फॉलियर एप्लीकेशन चूँकि वो अवेलेबल था तो मैंने उनका भी यूज़ किया तो हमको बेहतर रिजल्ट मिला है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा कि साहब ने बताया कि आलू के पोषक प्रबंधन के लिए ये जो स्टार्टर है बूस्टर है पुटवन देना है, हमारे यहाँ किसान बंधु भाई लोग मकई भी लगाए हुए हैं, तो मकई जिस तरह से आलू का प्रबंधक के लिए स्टार्टर 11, 36, 24 यूज कर रहे हैं हम लोग, उसी तरीके से अभी जो मकई का समय आ गया है उसमें कटुआ रोग लगने लगेगा, तो कटुआ रोग में आप दवाई दीजिएगा तो उस दवा के साथ ये जो स्टार्टर है 11, 36, 24 इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो रोग बीमारी के प्रति बचेगा भी और पौधा आपका बहुत अच्छा भरा भरा करके निकलेगा। धन्यवाद। कोई सवाल? मेरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद सादिर जोगची से, हम इसी गांव से, तो हमने आधे एकड़ में आलू लगाए, अपना आधा एकड़ में है, तो अभी लगाने से लगभग 1.5 माह हो चुका है और आप जो हम उसको 2 दिन पहले जो कुछ देखे हैं खोद खाद करके तो 10-12 ग्राम का कंद होने जा रहा है, तो अगर आपका जो दवाई जो है केमिकल्स है उससे डालने से जो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, कैसे कैसे हम छिड़काव करेंगे बताया भी है, तो जो थोड़ा सा हमको इसके बारे में फिर से बताएं। तो आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपके खेत में आलू में दाने छोटे छोटे बन गए हैं, अब उस दाने को आपको मोटा करना है, तो मोटा करने के लिए हमें क्या होता है पोटेशियम की जरूरत होती है, 2 खाद को यूज कर सकते हैं, या तो आप पोटेशियम नाइट्रेट 13-0-45 5 से 10 ग्राम पानी में मिला के स्प्रे करें अपने खेत में और ये 2 बार करें 15 दिन के अंतराल पे, आपको आलू मैक्सिमम साइज का मिल जाएगा। जिनका भी खेत 30 से 35 दिन का है उन सब लोगों को ये 11, 36 और 24 का अभी एप्लीकेशन करना है स्टार्टर 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में, मतलब ये जो बी 1 किलो है ये 100 लीटर पानी में 1 एकड़ का डोज है, और 30 से 35 दिन के बाद जब 45वां दिन में जब आइएगा आलू लगने के समय, मतलब आलू लगने से 2-4 दिन पहले उस वक्त जो है आपको, तो ये आपको पीक वांट देना, बस यही दोनों चीज देना है, और जब आप ये दीजिएगा
तो इसी के साथ आप उस दवाई को मिला दीजिएगा M45 को। उसकी खासियत क्या है, दवाई जब मिलाया जाता है तो स्टिकर लगाता है ना लोग कि दवाई कहीं नीचे नहीं गिर जाए, तो इसके अंदर में पहले से स्टिकर मिला हुआ है तो आपको ऊपर से पुड़िया डालने का जरूरत नहीं है। सर एक और सवाल है मटर से रिलेटेड, जो है वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम कीर्ति आनंद मंडल, ग्राम दोगच्ची का है, हम रहने वाले हैं। मैंने 1 एकड़ में मटर खेती किया है इस साल, इसी की जानकारी लेना चाहते हैं। कैसे कि अभी तो मेरा मटर को लगभग 55 दिन हो चला है, फल समचा पकड़ लिया, फल में नहीं गोरस मोटापन नहीं हो रहा है, फल लगभग में 100% का ही पकड़ लिया है। आपका जो बात में समझा, आप कह रहे हैं कि आपका मटर 50 दिन का हो गया है, उसमें वो बन गया है, मटर बन गई है, हाँ अब उसमें दाने बनने की, फूल भी तो बन रहे होंगे, हाँ। तो देखिए इस अवस्था में आपको क्या करना है, आपको इस समय पे NPK मैनेजमेंट पे कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। आप अपने खेत में अगर छेमी बन गई है, अब उसमें दाने आने चालू हो रहे हैं, तो उस समय पे एक बैलेंस चाहिए, आप 8-16-39 का स्प्रे कीजिएगा तो आपको फर्क दिख जाएगा छेमी के साइज में और दानों में। धन्यवाद सर। तो इसी के साथ आज के इस चौपाल में मैं, हमारे जितने भी किसान मौजूद रहे हैं इस कार्यक्रम में, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, और साथ में मैं हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट रहे हैं, सर मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो है वो अपना कीमती समय हमें और ये सारी जानकारी हमें दिया। तो आज के इस चौपाल में हमने बात किया है पोषण प्रबंधन को लेकर, और खासकर आलू, मक्का और मखाने में किस तरीके से पोषण प्रबंधन की क्या महत्व होती है और किस तरीके से पोषण प्रबंधन कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रीन टीवी से कोई सवाल पूछना है तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540300003। और अगर आप ICL इंडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप ICL के टोल फ्री नंबर पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो ICL का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, और आप लिख भी सकते हैं 1800-210-30-31। तो फिलहाल आज के इस चौपाल में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन जीवी। नमस्ते।